एनडीटीवी जो अच्छा काम कर रहा है, रवीश कुमार जी जो हैं वो आदमी जो है सही है एनडीटीवी इंडिया, एनडीटीवी और एंकर रवीश कुमार। एक जी न्यूज़ है जो हमें आतंकवादी, खालिस्तानी और पता नहीं क्या क्या कह रहा था, आज तक दिखा रहा है ना, ना अपना रिपब्लिक दिखा रहा है। देश में मीडिया को लेकर लोग क्या सोचते हैं, ये तो किसान आंदोलन में उनके विरोध से साफ दिखने लगा है। जब भी मेनस्ट्रीम मीडिया से पत्रकार किसानों के पास उनसे बात करने पहुंचते हैं तो उन्हें भगा दिया जाता है। ऑफ द न्यूज यूट्यूब चैनल के पत्रकार ने जब किसानों के बीच जाकर जब उनसे उनके पसंदीदा पत्रकार के बारे में पूछा तो क्या जवाब मिला, आप खुद ही देख लीजिए। फेवरेट न्यूज चैनल एनडीटीवी सर। एनडीटीवी क्यों सर? एनडीटीवी क्यों? एनडीटीवी न्यूज 24 चौधरी उसमें और उसमें रवीश कुमार। बस ये देख रहा हूँ किसान यूनियन वाला, बस ये देख रहे हैं। हाँ? और कोई न्यूज चैनल नहीं चल रहा? एनडीटीवी जो अच्छा काम कर रहा है रवीश कुमार जी जो है वो आदमी जो है सही है, सही बात गवर्नमेंट की भी रखते हैं, किसानों की भी सही बात रखते हैं वो। एनडीटीवी एनडीटीवी चल रहा है जी हाँ, सभी न्यूज चैनल, सारे न्यूज चैनल आप क्या जी न्यूज को छोड़ दो और आज तक छोड़ दो, अभी रिपब्लिक को छोड़ दो, ये तो तुम्हें पता ही है कौन है, तो बाकी सोशल मीडिया ही है मेरे ख्याल से, या न्यूज 24 को बोलो, एनडीटीवी को बोलो, यही है जो हमारी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। एनडीटीवी इंडिया, एनडीटीवी और एंकर रवीश कुमार, भारत समाचार, भारत समाचार एंकर, एंकर ब्रजेश मिश्रा। मैं रवीश कुमार जी को पसंद करता हूँ बहुत और एनडीटीवी को बहुत देखता हूँ। तो ऐसे ही हमारे रवीश कुमार जी हैं, उगता हुआ सूरज, चमकता हुआ सूरज। ज्यादातर लोगों ने रवीश कुमार का नाम ही लिया या न्यूज 24 का। ऑफ द न्यूज के पत्रकार ने किसानों से मेनस्ट्रीम मीडिया के चैनल को ना देखने की वजह भी पूछी, आप खुद ही देखिए उनका क्या जवाब आया। एक जी न्यूज है जो हमें आतंकवादी, खालिस्तानी और पता नहीं क्या क्या कह रहा था, जबकि आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ कोई ऐसी बात नहीं। रवीश कुमार क्यों है, क्या कर रहा है वो, ऐसा कुछ खास कर रहा है? ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट तो हो गया वो। नहीं नहीं, जो भी चीज़ दिखाता है वो एज पर ग्राउंड रिपोर्ट ही दिखाता है ना। जो फॉलोएबल लग रहा है मुझे सोशल मीडिया ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और बात की जाए कि गोदी मीडिया के सबसे घटिया जो काम कर रहा है वो जी न्यूज़ और जी हिंदुस्तान कर रहा है। हमें तो अपने चैनल लग रहे हैं, बाकी न्यूज में कोई दिखा नहीं रहे। कौन सा नहीं दिखा रहा है? कोई ना जी दिखा रहा है ना अपना, क्या कहते हैं इसको, आज तक दिखा रहा है ना, ना अपना रिपब्लिक दिखा रहा है, रवीश कुमार जी दिखा रहे हैं। हाँ, वो दिखा रहे हैं। क्यों आपको क्या लगता है क्यों दिखा रहा है वो व्यक्ति? यार वो सच के सच का सच्चाई का साथ दे रहा है और क्यों दिखा रहा है, बस एक ही लाइन में सारी बात क्या थी। मुझे सिर्फ एनडीटीवी ही पसंद है नेशनल मीडिया में। इसके अलावा मीडिया को लेकर किसान आंदोलन में विरोध तो होता ही रहता है, चाहे वे आज तक हो। सत श्री अकाल गोदी मीडिया जी, हम पंजाब में 2 महीने से बैठे हैं, आप कहाँ थे, आज यहाँ आ गए हैं तो आप करा रहे हैं, ऐसे है गोदी मीडिया मर्दाबाद, 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 गो बैक, गो बैक। राजनीति का विरोध हो रहा है यहाँ पे, गोदी मीडिया को झूठे दिखाने का। या फिर जी न्यूज को लेकर किसानों में गुस्सा क्यों ना दिखाई देता हो। मैडम आप भी चिल्ला चिल्ला कर पूरे देश में साबित करना चाहते हो कि ये लोग नकली हैं, आप नकली बोलते हो उनको, इनको देशद्रोही बोलते हो। आपका 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 जी न्यूज, आपका जी न्यूज मैडम, जी न्यूज आपका, जी न्यूज आपका, जी न्यूज पूरी तरह से बहस है, गोदी मीडिया मुर्दाबाद। इसके अलावा रिपब्लिक टीवी का भी काफी विरोध देखने को मिला, किसानों ने उनके खिलाफ काफी नारे भी लगाए थे। Go back, 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 go back
और जो इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो अगर वास्तविक किसान के अगर मोदी जी के हितैषी है तो मोदी जी की रोटी खाएं और अंबानी की रोटी खाएं। किसान किसानों की आवाज नहीं उठा रही है, किसानों की आवाज दबाने का काम कर रहे हैं। तो मिलाता बिल्कुल किसानों के लिए रवीश कुमार काफी पसंदीदा रहे। उसका कारण ये एक होगा कि वे अपने शो में किसानों का मुद्दा भी उठाते हैं और कुछ अहम जानकारी भी देते हैं। अब आप देखिए रवीश कुमार अपने शो में किसानों को लेकर किस तरह की बात कर रहे थे। अनुराग ने पिपरिया के कुछ और किसानों से मुलाकात की जिन्होंने धान को लेकर फॉर्चून कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया था, ब्रजेश पटेल, घनश्याम पटेल जैसे। अंग्रेजी में रिफॉर्म के नाम पर बिल की वाहवाही करने वाले पत्रकारों और जानकारों के लेख में जमीन पर किसान क्या भुगत रहा है इसकी झलक नहीं मिलती है, मिलेगी भी नहीं। ब्रजेश पटेल ने भी फॉर्चून कंपनी से करार किया था, 20 एकड़ में धान लगा दिया, अब उनका धान यहाँ पड़ा हुआ है। कंपनी ने उठाने से मना कर दिया। कंपनी ने दो दो बार लैब टेस्ट कराए लेकिन लैब की रिपोर्ट ब्रजेश को नहीं दी। विक्रेता है। जी जी। तो ये ना उन्होंने साइन किया है, ना सील लगी है, तो आपने अनुबंध से ऐसा खराब अनुभव हुआ है कि तौबा तौबा कर रहे हैं, अब मंडी में ही बेचने की बात कर रहे हैं। सरकार को भरोसा पैदा करने के लिए एक दो फैसलों को ट्वीट करने की जगह कुछ ठोस व्यवस्था बनानी चाहिए। दरअसल उन्हें भी भरोसा हो गया है कि अब कोई पत्रकार कहां गांव में जाएगा किसानों के पास, अभी कानून की वाहवाही कर लो। दूसरी तरफ ज्यादातर किसानों ने जी न्यूज को काफी नापसंद किया। खैर, जब किसान आंदोलन कर रहे थे तब जी न्यूज के पत्रकार सुधीर चौधरी ने किसानों की बात करने की बजाय खालिस्तान की एंट्री करवा दी थी। आप सब जानते हैं ये जो किसान हैं ये पंजाब से आ रहे हैं और हजारों किसानों की इस भीड़ में अब कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी आ गए हैं जो अपना एजेंडा चला रहे हैं और उनका एजेंडा किसानों से अलग है। और इसलिए आज हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि इस आंदोलन में अब खालिस्तानी एलिमेंट्स की एंट्री हो चुकी है। सबसे पहले आप ये बयान सुनिए क्योंकि ये व्यक्ति ये कह रहा है कि अगर इसकी मांगे नहीं मानी गई तो जो इंदिरा गांधी के साथ किया था वही हाल नरेंद्र मोदी का किया जाए। अब ऐसा लगता है कि ये बयान किसी किसान का तो नहीं हो सकता, किसी किसान की ये भाषा हो ही नहीं सकती क्योंकि ये भाषा खालिस्तान की भाषा है और अब इस आंदोलन से अहंकार की बू आ रही है जैसा कि आपने अभी देखा होगा। अब ये तो साफ है कि लोग किसको ज्यादा देखना पसंद करते हैं और किसको नहीं। हम उम्मीद करेंगे कि मेनस्ट्रीम मीडिया जनता का भरोसा जीतने में कामयाब हो पाएगा अगर वह जनता की आवाज बने तो। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।